नमस्कार आदाब, मैं हूं सानिया खान। आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। पूरी दुनिया कोरोना वायरस के चपेट में है, मगर वही भारत में CAA, NRC और NPR का विरोध महिलाएं कर रही है। दरअसल प्रदर्शन कर रही महिलाओं का कहना है कि कोरोना वायरस से ज्यादा खतरनाक NRC, NPR और CAA है और इसलिए विरोध कर रही है। मगर सच्चाई ये भी है कि वाकई में कोरोना वायरस का कहर पूरी दुनिया में देखा जा रहा है और अब तक इसकी चपेट में आने से हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस के चलते लखनऊ के घंटा घर पर नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ धरने पर बैठी महिलाओं की पुलिस से झड़प हो गई। महिलाओं का कहना है कि उनको जबरन हटाया जा रहा है। उन महिलाओं का ये भी कहना है कि हमें कोरोना वायरस से डर नहीं लगता, CAA और NRC से डर लगता है। इसी बीच ACP विकास चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि प्रदर्शन में बाहर युवकों की सूचना पर पुलिस घंटाघर पहुंची थी। आपको बता दें कि लखनऊ के घंटाघर पर पिछले 2 महीने से महिलाएं धरने पर बैठी है। आज पुलिस उन्हें समझाने पहुंची थी। पुलिस ने महिलाओं से कहा कि घंटाघर से KGMU नजदीक है, जहां कोरोना से संक्रमित मरीजों का इलाज चल रहा है, लिहाजा वे धरना खत्म कर दे। भीड़भाड़ के वजह से संक्रमण का खतरा है, लेकिन वो महिलाओं ने पुलिस की एक ना सुनी और घंटाघर खाली करने से मना कर दिया। पुलिस के नोटिस देने के बाद भी महिलाओं ने हटने से इनकार कर दिया। प्रहार टाइम्स की सभी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें ताकि हर खबर आप तक पहुंचे। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।